हमारे अध्यक्ष भाई जगताप जी ने हमको ये आदेश दिया है, वो आदेश के पालन हम कर रहे हैं। आगे की बात वो बड़े लोग की, बड़े हमारे हाईकमांड से बात करके वो लोग देखेंगे। अगर ये वैक्सीनेशन नहीं मिलता है किसी कारण से तो क्या कांग्रेस पार्टी आगे भी आंदोलन करेगी? जैसे भाई हमारे अध्यक्ष भाई जगताप का आदेश आएगा उसके पर हम चलेंगे। आप लोग सरकार में हैं और में एक मजबूत गठबंधन सरकार चला रहे हैं, तो क्या वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है राज्य गवर्नमेंट? नहीं, कमज़ोर तो नहीं पड़ रही, मांग कर रहे हैं और हम वैक्सीन लेकर आएंगे। सर, आप सरकार में हैं या महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, आपकी मजबूत सरकार है, वैक्सीनेशन की मांग करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है सरकार क्या, राज्य गवर्नमेंट? देखो क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने कई बार इनको वैक्सीन मांगने के लिए मांग के, उसके बाद महाराष्ट्र का मजबूर होके खुद उन्होंने बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती वैक्सीन तो हम हमारा टेंडर निकालते हैं और टेंडर निकाल के हम हमारे महाराष्ट्र सरकार से वैक्सीन खरीदेंगे। मगर इस टेंडर को पास करने के लिए उसमें भी केंद्र सरकार ने अपनी राजनीति आई और उनको वहाँ पर जहाँ से विदेश से वैक्सीन मंगाने के लिए वहाँ पर भी वहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने रोकथाम किया। ये कि सड़कों पे क्यों आना पड़ा, आप नगर सेवक हैं? जैसे कि आज अपने महाराष्ट्र में मुंबई में जोर से बोले, जो लोगों को वैक्सीन 20% से लगना चाहिए तो कहीं ना कहीं कमी पर है, तो वैक्सीन कमी होने से ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये केंद्र सरकार महाराष्ट्र के जनता के साथ जान के साथ खेलने का काम कर रही है, उन्होंने वैक्सीन के साथ में राजनीति नहीं करना चाहिए। तो मेरी इसीलिए हम लोग कांग्रेस वाले हमेशा जनता के साथ रहते हैं, इसके लिए आज हमको रोड पर आना पड़ा। और अगर वो नहीं करेंगे तो इससे बड़ा मोर्चा हम लोग निकालेंगे। हम लोग सबसे अभी तो एक खाली शुरुआत है, आगे आगे देखेंगे क्या करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट से आप लोगों ने मांग की है? 100% मांग किए करके ना, खाली वादा किया, वादा वो निभाया नहीं। ओके, आप नीचे गए, क्यों सड़कों पे आना पड़ा, क्या मजबूरी है कि आप लोगों ने लिखा है बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल रही है? यहाँ तो 45 के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन नहीं मिल रही है अभी के टाइम। हमारे यहाँ 18 से 44 के लोगों को भी वैक्सीन मिलना ज़रूरी है, नई पीढ़ी है उनको भी मिलना बहुत ज़रूरी है, तो वैक्सीन की कमी है तो उसको पूरी की जाए और हमारे यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा जाए, ये हमारी मांग है। इसलिए आज पालक मंत्री असलम शेख जी महाराष्ट्र के कद्दावर नेता भी हैं और वो कई मंत्रालय देख रहे हैं, तो क्या उन्होंने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से? उन्होंने मांग की है वैक्सीन के लिए भी और हर चीज़ के लिए भी। सब हाउस में आवाज़ उठाया है उन्होंने? जी हाँ, उठाया है। तो आपकी क्या मांग है? हर एक को वैक्सीन मिले, 18 से 44 को वैक्सीन मिले, सारे सुविधाएँ जो मिलनी चाहिए पेशेंट्स को वो सब मिले। मोहिन साहब, क्यों सड़कों पे आना पड़ा और कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है भविष्य में, बच्चों को वैक्सीन मिलना चाहिए, किसको मिल रहा और किसको नहीं मिल रहा, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, आप ये बताइए कि जितना भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आप बताइए, पोलियो की है, मीजल्स की है, जितने भी टीके बने सब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, मोदी जी इतने अच्छे हैं, उस पर भी पल्ला झाड़ लिया अपना और वो कहते हैं कि आधा स्टेट बेयर करे। मतलब जो दुनिया से ज़माने से कानून कांग्रेस के ज़माने से चला आ रहा है, पोलियो के इतनी टीके आए तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लोड डाला गया? लेकिन इन्होंने वो भी डाल दिया। जो अनाउंस किया 27,000 करोड़ रुपए की हम वैक्सीन खरीदेंगे, उसमें भी पीछे हट गए। आप हिसाब किताब पूछेंगे तो 27,000 करोड़ की वैक्सीन नहीं आई। और मेन चीज़ इसमें लिखा है जो आप लोग पूछ रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीन है। अरे, बाप के आगे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो बच्चा ही कहलाता है, बाप नहीं कहलाता है। चाहे जवान हो जाए, 18 से उम्र वाले बच्चे ही कहलाएंगे बाप के आगे। मोदी जी इस कंट्री के बाप हैं और वो बाप होने के नाते उनके सामने 18 से उम्र बड़े वाले सब बच्चे ही कहलाएंगे। तो क्या इससे बड़ा आंदोलन आगे होने की संभावना है? हम लोग चुप नहीं बैठेंगे भाई। हमारी बीएमसी
इतनी लायक है जो हम जिसमें हम लोग अपोजिशन में है, लेकिन उन्होंने कहा अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती तो हम लोग खुद खरीदेंगे। उन्होंने कोटेशन भी डाला है, ऐसा नहीं कि उनके भरोसे बैठेंगे। हमको तो एक एक रहवासी मुंबई के रहने वाले मुंबईकर को सबको वैक्सीन लगवानी है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती तो बीएमसी से लगवाएंगे, लेकिन हम लोग वादा करते हैं पब्लिक से एक एक आदमी को फ्री वैक्सीन दी जाएगी मुंबई में। तो क्या अगर ये वैक्सीनेशन अगर महाराष्ट्र में आप आम लोगों को नहीं मिलता है 18 साल के लोगों को या 44 साल से ऊपर के लोगों को, तो क्या कांग्रेस पार्टी आगे भी इससे कड़ा आंदोलन करने वाली है? इससे बड़ा आंदोलन, अभी तो लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने सिम्बोलिक थोड़ा सा दिखाने के लिए आंदोलन किया है, इससे ख़त्म होने नहीं दिए लॉकडाउन, उसके बाद तो इतना बड़ा बड़ा होगा पूरी सड़कें जाम कर देंगे, पूरी रेलवे जाम कर देंगे, पूरी रोडें जाम कर देंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं घर पर। क्या कहना चाहते हो आप कांग्रेस पार्टी में, बम्बई के सेक्रेटरी हो आप और वैक्सीनेशन लोगों को नहीं मिला, अपोजिशन हो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप अपोजिशन पे हो, बोलिए क्यों आना पड़ा सर को पे, जोर से बोलता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हम लोग अपोजिशन में नहीं है, तो हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार है, लेकिन जो वैक्सीन है ये सॉरी अपोजिशन में नहीं है, आप सरकार में है सर, और जो वैक्सीन है वो हमको केंद्र सरकार के माध्यम से आ रही है। अगर हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने वैक्सीन खरीदने के लिए या वगैरह डायरेक्ट परमिशन के लिए हमारी जो केंद्र सरकार है उनको पत्र लिखा था, बट केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं आया। और वैक्सीन जिस तरह से धीरे धीरे आ रही है या जिस तरीके से अगर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दी जा रही है उस तरीके से सबका वैक्सीनेशन होना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि अभी ये सेकंड लहर हुई और उसके बाद जो थर्ड वेव आने वाली है, तो उससे पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वैक्सीन हो जाए और वो अपने आप को सेफ, यानी कि पहले अपने घर को सुरक्षित करने के बजाय मोदी जी ने बाहर के देशों के बारे में सोचा या बाहर भेजा, जो उनका क्या उद्देश्य था या उनके पीछे उनका क्या स्वार्थ था ये हम तो नहीं जानते, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पहले अपने घर को सुरक्षित